हेलो एंड वेलकम टू द सीजेडी व्लॉग चैनल। तो भाई आज हमारे पास बाइक आई हुई है, एक पल्सर। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको बाइक में। तो आज उसके ऊपर हम शूट करेंगे भाई, 5 डिसएडवांटेज एंड 5 एडवांटेज। क्योंकि यार हमें जो मेरे पास पल्सर की बाइक आज मैं लेके आया हूँ, मतलब शूट करने के लिए, अंकित भी है मेरे साथ में। तो वो ये बताना चाहता हूँ कि चीपेस्ट बाइक है, देख एक तो क्या नाम है, इस सेगमेंट में सबसे चीपेस्ट बाइक है और पावरफुल, इतना इंजन पावरफुल है ना भाई, हम सोच नहीं सकते। थोड़ी सी कमियां हैं वो भी बताएंगे, थोड़ी सी एडवांटेजेस हैं वो भी बताएंगे भाई। तो चलते हैं, क्या नाम है, शूट करते हैं अपना। स्टे ट्यून इन द व्लॉग, व्लॉग को भाई पूरा देखना, पूरा देखोगे मजा आएगा भाई। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आज हम खुल्ले गए, मैंने आपको बताया था, जैसे कि क्या नाम है, मेरे पास एक पल्सर की बाइक है, बहुत हैवी इंजन है। तो सस्पेंस सब बन रहा था थोड़ा सा, क्या नाम है, कौन सी बाइक है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, आज हमारे पास है डोमिनार 400 सीसी। तो भाई इसके बारे में हम बात करेंगे कि 5 डिसएडवांटेजेस और 5 एडवांटेजेस। तो भाई एडवांटेजेस तो इस बाइक की इतनी है कि मैं अगर बताना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो बताना चाहूँगा कि क्या, क्यों बाय हमें करनी चाहिए। पहली बात तो वैल्यू फॉर मनी है भाई, इतनी सस्ती बाइक है ना भाई, 2,23,000 रुपए की ऑन रोड पड़ रही है, ऑन रोड नहीं सॉरी एक्सोरूम प्राइस पड़ रही है। तो 2,23,000 में 400 सीसी का इंजन मिला भाई, बेस्ट है भाई। ये है कि हाँ भाई, थोड़ा सा क्या नाम है, आपको कंपैरिजन करना पड़ जाता है किसी और बाइक के लिए, बट यार 400 सीसी में आपको 2,23,000 रुपए का इंजन मिल रहा, बेस्ट है। एक पॉइंट तो इसका ही हो गया। इसके ऊपर आते हैं तो आप, सबसे मेन चीज है इसकी भाई लाइट। हमें भी भाई सबको यार, बंदे को लगता है कि क्या नाम है, लाइट ना बहुत जरूरी है, एक ऐसी चीज है ना भाई, रात में अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, वैसे भी आपको सबको पता है भाई टूरिस्ट बाइक है, तो रात में ना भाई लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो भाई इससे बेस्ट लाइट मैं किसी की नहीं मांगता, अपनी एमटी की भी नहीं है भाई, उसमें तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्टर है, इसकी बहुत बेस्ट लाइट है। सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, जैसे कि 400 सीसी इंजन है, कि हम सोचते हैं कि भाई एवरेज थोड़ा सा इसका कम होगा, बट नहीं भाई, जितना मैंने इसके साथ बाइक के साथ सफर करा, भैया की बाइक है दोस्त की, तो मैं चलाता भी रहता हूँ, भैया भी बताते, तो 30 और 35 के अबव में ये दे देती है भाई माइलेज, बढ़िया सिटी के अंदर भी और लॉन्ग रूट पे तो बढ़िया ही दे देती होगी भाई। मैं लॉन्ग रूट पे तो लेके नहीं गया, और जो जिन भाइयों के पास होगी उनको मेरे से अच्छी ज्यादा पता होगा। फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिन जो भाई मेरे यूज कर रहे हैं डोमिनर, तो भाई ये जो है बाइक टूर के लिए बनी हुई है, ज्यादातर टूर पे लेके जाते हैं, मतलब साइड में बकेट वकेट लग जाती है, बढ़िया तरह से फिट हो जाती है, बट इस पे कंफर्टेबल भाई इतना हो जाता है ना बंदा कि भाई बता नहीं सकता कि हाँ आराम से, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी हैंडलिंग कर सकता है पैर पे, मेरी जितनी हाइट का भी है, छोटी हाइट का भी होगा, वो भी बंदा इसको मैनेज कर लेगा बढ़िया तरीके से भाई। फिफ्थ पॉइंट जो आता है ना, सबसे मेजर पॉइंट आता है मुझे, इससे बढ़िया उसका पॉइंट कुछ नहीं लगता मुझे, जो बाइक में, जो मेरे पर्सनली यूज में मुझे जो बाइक में पसंद है ना, वो भाई बिल्ड क्वालिटी पसंद है किसी भी बाइक की। तो भाई इस बाइक की ना बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत है भाई, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई बिल्ड क्वालिटी है। KTM 390 भी आप उठा के देख लो भाई, उसमें इतनी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, बट मुझे ना डोमिनर 400 की भाई सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि भारत की एक नाम है कंपनी बजाज, यार किसी बाहर की तो है नहीं। अब करते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात। तो पहला डिसएडवांटेज जो आता है इसका भाई, हैवी वेट ना इसमें करीबन, मेरे को जो पता है वो क्या नाम है, बिना फ्यूल के 193 किलो है। अगर ज्यादा फ्यूल व्यूल भरवा देते हैं 195 हो जाएगा, या 193 तो बिना फ्यूल के रहता है, तो 195 हो जाता है फ्यूल के बाद। तो जैसे कि वेट ज्यादा है तो भाई इसके स्पीड में भी थोड़ा फर्क पड़ता है भाई बाइक के। तो भाई सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो मुझे मेजर इशू लगता है पल्सर के साथ, ये नहीं कह रहा कि मैं डोमिनर के साथ, हमारे पास आरएस भी खड़ी है उसके साथ भी यही कहना प्रॉब्लम है, या कोई भी पल्सर की नीड, पुरानी बाइक भी होंगी ना उसमें सब में नीड है भाई चीज, ये प्रॉब्लम है इनका स्प्रॉकेट भाई, चैन ना इनकी इतनी ढीली हो जाती है, या तो ये समझ लो कि मुझे भी नहीं पता था, मुझे अंकित ने बताया भाई ये चीज, कि पावर जब ज्यादा होती है ना तो भाई ये चैन जो है खिंचती है, और खिंचने की वजह से इनकी चैन है ना ज्यादा आवाज करती है। तो मुझे ये लगता है कि एक इशू में क्या नाम है चैन की वजह से हो सकता है, क्योंकि चैन ना जब तेज चलती है आवाज करती है, और दिमाग में सिर में दर्द हो गया अगर कोई चीज आवाज कर रही है तो। तो भाई थर्ड पॉइंट जो आता है ना इस बाइक का, मुझे जो लगता है कि मेरे भी नहीं, जो भाई डोमिनर यूज कर रहे हैं उनके पास साथ भी यही प्रॉब्लम है, तो भाई इसका ना रेडिएटर, ये ना भाई हीटिंग प्रॉब्लम इस बाइक में इतनी है कि आप, मैं अभी भी चला के लाऊं, अभी देखो हीट हो रही है, इसका रेडिएटर अभी काम करना शुरू नहीं हुआ, जबकि मैं घर से यहाँ पर वेव सिटी तक आ चुका हूँ शूट करने के लिए, और अभी अंकित भी शूट करेगा, मैं भी कर ही रहा हूँ रेगुलरली। तो इसका हीटिंग प्रॉब्लम एक मेजर इशू है इसमें, ये पल्सर वालों को थोड़ा सुधार करना चाहिए भाई इसमें, बजाज वालों को। तो भाई अब आते हैं मेजर इशू जो मुझे लगता है इसमें, इशू जो है वो है इसका टर्निंग रेडियस। भाई रेडियस ना इतना कम है इस बाइक का, आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं लगा दूं ना भाई, ये मिल गया यहाँ पे,
इधर ना ये पूरा मिल जाता है और इसमें ना डर लगता है भाई चलाने में बाइक को, क्या नाम है, और सिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यार टर्निंग रेडियस की वजह, क्योंकि छोटी छोटी गलियों में से निकालनी है या बाजार में जा रहे हो आप वहां पर कट मारना, तो इसमें हमारी एमटी वगैरह या केटीएम आरसी ड्यूक वगैरह वो सारी ठीक है भाई। टर्निंग रेडियस का एक इशू डिसएडवांटेज इसकी ये भी है। तो भाई फिफ्थ डिसएडवांटेज जो इस बाइक की मुझे लगती है, बजाज वाले जो सबसे मेजर गलती कर रहे हैं वो ये है कि भाई इसके टायर MRF के वो टायर देते हैं भाई, आप देख सकते हो क्या नाम है, डोमिनर लिखा हुआ है 400cc व्हाइट कलर में, भैया ने टेपिंग भी करा, बट इसमें ना भाई मुझे एक इशू लगता है कि क्या नाम है, जैसे 400cc पावरफुल इंजन है भाई इसका, क्या नाम है, 170 या 175 तक आराम से भाई टॉप स्पीड इस बाइक की है, तो इनको रेडियल टायर देने चाहिए भाई इसमें, और भाई बढ़िया कंपनी के दे देने चाहिए, मिचलिन के दे दो भाई, किसी अदर कंपनी के दे दो, बुगलन के दे दो, किसी के भी दे दो, बट MRF भाई मुझे जो लगता है ना MRF इतना बेस्ट टायर नहीं देती है कंपनी जितना मिचलिन वगैरह दे देंगी, तो एक मेजर इश्यू इसमें ये लगता है। तो भाई आज का व्लॉग हमारा पूरा शूट हो चुका है, स्टे ट्यून्ड इन द व्लॉग, व्लॉग को भाई पूरा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। अब मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, एक बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे, देखेंगे बढ़िया सी एक और बाइक लाएंगे, अंकित कह रहा भाई बाइक लेके आऊंगा अगली बार दूसरी, उसके ऊपर वीडियो शूट करेंगे, तो भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना भाई, बाय बाय।